पानी भरते हैं, चलते हैं घर, तवे पे रोटी गर्म होगी और उसके बाद खाएंगे भाई। तो गाइस घर आके यार कुछ बना नहीं पाते ज्यादातर, काफी ज्यादा बोरिंग ब्लॉग होते हैं जिसपे ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, कोई चक्कर नहीं नहीं आते, बट घर पे भी मैं कुछ ना कुछ डाल ही देता हूँ हर भाई। बस अभी अपने को जैसी सर्दी आई गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी सुबह का टाइम 8 बजे है भाई, आज के दिन स्कूल लगेगा अपना 10 बजे, 9 बजे मैक्सिमम, 9:15 पे हम लोग घर से निकलेंगे भाई। बस धूप यहाँ पे पहुँच चुकी है, सर्दियों के दिनों में यहाँ से सूरज निकलता है और गर्मियों के दिनों में यहाँ से, तो अब जो है यहाँ से निकलेगा और अभी निकल चुका है, ऊपर पहुँच चुका है काफी, अभी टाइम तो 8 बज चुके हैं। अभी बस अपने को नहाने चलना है, उसके बाद आके खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। और यहाँ पे हो रही है काफी ज्यादा ठंड, क्योंकि पीछे मैं घर पे नहीं था तो मुझे इतना खास पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी ठंड होगी, क्योंकि यहाँ पे डाउन एरिया ना, तो यहाँ पे भाई काफी ज्यादा ठंड है। तो भाई सुबह सुबह निकलते हैं नहाने के लिए, लेकिन बाहर निकलते यहाँ पे काफी ज्यादा धुंध पड़ी हुई है, क्योंकि अभी सर्दियों के दिन है ना, तो यही होगा सीन यहाँ पे। और जब सुबह उठा था ना कोई 5:30 के करीब, तब तो पूरा एरिया धुंध से भरा हुआ था, अभी तो धूप भी निकल गई, तो इसीलिए अभी तो साफ होने का प्रोसेस चल रहा है, बट थोड़ी थोड़ी अभी भी है, यहाँ पे धूप नहीं लग रही है सामने। अभी जल्दी से चलते हैं नहाते हैं चल के और फिर मिलते हैं। वो रही अपनी लोकेशन, वहाँ पे अपना टप भर रहा है, और अभी पानी देखो तुम लोग तभी का, नहीं तो एक टाइम तो यहाँ से जा रहा था और इतना ज़्यादा पानी होता था, अब सर्दियों के दिनों में बिल्कुल ही सूख गया है। और अभी और थोड़े दिनों में जब ये पुल का काम लगेगा ना यहाँ पे, तो ये पानी सारा मुझे लगता है उस साइड तोड़ देंगे, या फिर यहाँ से कुछ निकाल के, ये पानी यहाँ पे बह रहा है ना इस टाइम, इसको कुछ अलग कर देंगे अलग साइड, क्योंकि यहाँ पे भी पिलर बनेगा पुल का, तो इसीलिए पानी को कहीं और डालना पड़ेगा, दूसरी साइड से निकालना पड़ेगा। तो बड़ी वाली जेसीबी जो है वो भी आई हुई है, तो वो तो वहीं पर साइड पर लगी हुई है पीछे जाके थोड़ा, और बाकी पानी तो सूख ही गया यार, थोड़ा थोड़ा रह गया, इतना इतना बहुत है। ये भी एक मज़ा है यहाँ पे, कभी पानी मतलब सूख तो सकता ही नहीं बिल्कुल भी, ये तो हमें पता ही है। और अभी एक यहाँ पे पानी काफ़ी कम हो गया, इसीलिए टब भरने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो ये पत्ते भी चेंज करने हैं अभी अपने को, फिर देखते हैं बाद में, पहले नहा लेते हैं उसके बाद करते हैं चेंज, क्योंकि अगर अभी चेंज करूँगा इसको तो फिर पानी गंदा आएगा, तो प्रॉपरली नहा नहीं पाएंगे, तो नहा लेते हैं उसके बाद चेंज करते हैं। तो ये अभी नहा लिया, यहाँ पे ही नहाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी है और तभी में ठंडा है, और पानी लेने के लिए आई है, पानी भरते हैं चलते हैं घर। A few hours later. बन सके हैं भाई घर पहुंच चुके हैं स्कूल से, मस्त खाना खाते हैं, पहले सबसे भूख लगी काफी तेज, आज 4 बजे छुट्टी गई। ये रही अपना रोटी, पहले तवे पे रोटी गर्म होगी और उसके बाद खाएंगे भाई। खाना वगैरह खा लिया भाई, और ठंड होगी यार काफी ज्यादा इधर इस टाइम, अभी जो है सिर्फ 5:30 का टाइम हुआ है और अभी इस टाइम ठंड होगी इतनी ज्यादा, और 6 बजे मैक्सिमम अंधेरा पड़ जाता है, कोई 6:15 इतने ही। चलते हैं फिलहाल थोड़ी देर या थोड़ा आगे तक, और उसके बाद अपने को अपनी वीडियो पोस्ट करने के लिए भी जाना है। तो गाइस घर आके यार कुछ बना नहीं पाते ज्यादातर, काफी ज्यादा बोरिंग ब्लॉग होते हैं जिसपे ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, कोई चक्कर नहीं नहीं आते, बट घर पे भी मैं कुछ ना कुछ डाल ही देता हूँ हर दिन, क्योंकि यार घर पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितने भी हम थोड़े बहुत काम करते हैं सबसे पहले तो सुबह उठ के स्कूल चले जाते हैं, नहाने के लिए जाना होता है, वो एक वीडियो से बना देते हैं छोटी सी, उसके बाद आके जितना हम करते हैं काम वो डाल देते हैं, मैक्सिमम 3 मिनट तक की बनती है, किसी दिन छुट्टी होगी तो हम लंबी कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पे आग जल रही है, वो सेकते हैं ज्यादा कमेंट्री ना करते हुए, ये देखो क्योंकि ठंड है भाई। बस अभी अपने को जैसी सर्दी आई है ना, बस कहीं ना कहीं आग जला के हम लोग बैठे रहेंगे, कहीं पीपी में आग जला देंगे तो कहीं पे लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करके वहीं पे, क्योंकि ठंड का मौसम है ना इसीलिए। अभी देख लो यहाँ पे जलाई हुई है, यहाँ पे आग तो अभी भी जल रही है, बट हम लोग चलते हैं अपना काम करके आते हैं पहले। तो इस वीडियो भी पोस्ट करने के लिए आया था लेकिन यहाँ पे आ गई, अमित भाई आया ट्रैक्टर लेके, उनके पास चलते हैं थोड़ी देर, तो फिर चलेंगे हम लोग घर वापस। घर पहुंचे हैं, आज यार ठंड हो साइड, तो वैसे फिलहाल रात का टाइम 8:30 हुए हैं भाई, अभी इंतजार हो रहा है चांद का, अभी तक नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने हमारे घर के सामने जो है पहाड़ी है, इसकी वजह से काफ़ी लेट आता है बाहर, काफ़ी सारे लोग होंगे जो अभी तक वेट कर रहे होंगे और हमारे घर पर भी कर रही हैं। अभी फिलहाल थोड़ा फ़ोन डेड है, इसको चार्ज भी कर लेते हैं और साथ में खाना खा लेते हैं, मुझे यहाँ पे बैठ बैठ के वीडियो देखें क्योंकि चांद का इंतजार हो रहा है बाहर। तो वैसे ये थी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।